मुझे मनुष्य जीवन में सबसे ज्यादा प्यार किस चीज से है? तुम्हें सुनकर धक्का लगेगा। कर्म भोग से। जो कहते हैं हम संसारी सुख के लिए भगवान के पास आते हैं, हम भगवान के पास आते हैं कि हमारे दुख दर्द दूर हो जाएं, वो सच्चाई से दूर है। सच्चाई तो ये है कि मुझे सबसे ज्यादा प्यार कर्म भोग से है। जो मेरे बच्चे सच्चे मन से मुझ संग प्यार करते हैं, दुख में भी मेरे हुक्म में रहते हैं, हुक्म को तोड़ते नहीं, वो मेरी आत्मा है। उन्हें दर्द हो रहा है तो उसमें भी पुकार करते हैं, हे बाबा तेरी इच्छा पूर्ण हो। वहां स्वयं मैं आप हूं, वहां मेरा निजी स्थान है। जो संसारी सुख मौज मजा चाहता है वो भी मेरी ही दया से पाता है, लेकिन मुझे नहीं पा सकता है। तुम जगत की सबसे अमोलक कीमती वस्तु को पाने को निकले हो तो कीमत तो देनी ही पड़ेगी। तुम जय जय दाता आनंद साईं की धुनी कर रहे हो मेरी आज्ञा से, लेकिन तुम जान नहीं सकते इस शरीर ने कितनी तकलीफ उठाई। तुम समझ नहीं सकते, लाखों का उद्धार हुआ, लाखों के दुख दर्द दूर हुए। एक बार का दुख आया हुआ भोगे बिना पूरा नहीं होता। कूड़ा करकट साफ करते हैं तो कुछ छींटे हमारे ऊपर भी आते हैं। ये और जगत गुरु माता दोनों ही पुकार करते हैं, तेरा हर प्राणी सुखी हो, तेरा हर जीव तेरी दया का पात्र बने। ये अपना ये पराया ये नहीं सोचते। जिसका जीवन जितना बेगरज है, निष्काम है, उतना ही वो मेरे निकट है। जैसे जैसे जीव मेरे निकट आते जाता है वैसे वैसे वो बेगरज निष्काम प्रेमी बनता जाता है। इस सच्चाई को दृढ़ करो, इस सच्चाई को अनुभव करके फिर अंदर देखा करो मैं कितना बेगरज हूं। पार होना है तो बेगरज बनना ही पड़ेगा, पार होना है तो निष्काम भाव में आना ही पड़ेगा। इस सच्चाई को अच्छी तरह समझना है। अपनी प्रोग्रेस, अपनी स्थिति इस एक चीज से देखा करो, हम कितना बेगरज हैं। मैं अपने लिए या जगत के कल्याण के लिए साधना करता हूँ। जो दूसरों के भले के लिए जीता है वो ही मेरे नजदीक है। जो अपना ही भला चाहता है वो कोसों दूर है। सच्चा निष्काम प्रेमी ही मेरी दया को पा सकता है। जो अपने मतलब में रहता है वो अपना जीवन बर्बाद करते जाता है। सदा प्रार्थना करते चलो, हे माँ तेरी इच्छा पूर्ण हो, जगत का हर प्राणी तेरी दया का पात्र बने, ये ही भी सदा मांगो। हे माँ तेरी इच्छा पूर्ण हो। ये प्रार्थना लगातार करने से ईश्वर की दया हमारे ऊपर आती है, इसको समझने का है। चलते जाओ जैसे मैं चलाते जाऊं, करते जाओ जैसे मैं कराते जाऊं, मुझे ही करता धरता मानो। मत कहो मैंने ये काम किया, कहो बाबा ने किया। मैंने जीवन में कुछ नहीं किया, जो कुछ हुआ बाबा की इच्छा से हुआ। ऐसा दृढ़ करते रहोगे तो हर तरह के पापों से बच जाओगे। जो गलत कार्य किया मन उसको छुपा लेता है, मन अपनी गलतियां देखता ही नहीं है, दूसरों की गलतियों को सामने लाता है, अपनी गलतियां देखता ही नहीं।
ये इस सच्चाई को जानना है।